भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। उत्तराखंड में हरीश रावत फिर अपदस्थ। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तक राष्ट्रपति शासन बरकरार रखने का निर्देश। मंत्री इमरान हुसैन पर कार्रवाई को लेकर केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस। 27 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट मांगा। कांग्रेस ने की बर्खास्तगी की मांग। भारत ने FDI पर पहली बार चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ा। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में भारत सबसे आगे। टॉप 5 राज्यों में 5 भारतीय। राजस्थान बॉर्डर पर पाक चीन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। बड़े युद्ध की तैयारी में सीमा पर बना रहे हैं बंकर। और राज ठाकरे की शरण में अंगूरी भाभी फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे। बैन के विवाद को मिला मराठी रंग। पार्टी ने कहा रोका गया तो अपने अंदाज में करेंगे विरोध। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 अप्रैल को रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा मतलब ये हुआ अब हरीश रावत राज्य के CM नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तब तक उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन नहीं हटाए जब तक 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई की। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जब हाईकोर्ट के आदेश पर चीफ जस्टिस के दस्तखत नहीं हुए तो सरकार बहाल कैसे हो गई। केंद्र ने अपनी दलील में हरीश रावत के स्टिंग का भी जिक्र किया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद CM हरीश रावत हरकत में आ गए। गुरुवार रात हरीश रावत ने अपनी कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में 11 अहम फैसले लिए। CM ने इन फैसले को जल्द से जल्द लागू करने और इसका पालन करने के आदेश दिए। CM हरीश रावत द्वारा आनन फानन में बुलाई गई इस बैठक पर राज्यपाल के पॉल ने नाराजगी जताई है। राज्यपाल का कहना है कि राज्य के ऐसे हालात में CM का इस तरह अपनी कैबिनेट के साथ बैठक करना और उस बैठक में फैसले लेना उचित नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने $63 अरब के FDI प्रोजेक्ट्स को 2015 में आकर्षित किया। इसके साथ ही 697 प्रोजेक्ट्स में 8% की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी द फाइनेंशियल टाइम्स के FDI डिवीजन ने दी है। 2015 में बड़ी कंपनियों में फॉक्सकॉन सन एडिशन ने 5 और 4 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स में निवेश की हामी भरी है। रिपोर्ट के अनुसार पूंजी निवेश के हिसाब से FDI के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में भारत ने चीन की जगह ले ली है। 2015 में पूंजी निवेश के लिहाज से भारत सबसे शीर्ष श्रेणी देश रहा। खासकर एक साल में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और अक्षय ऊर्जा सेक्टर्स में बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई। भारत ने चीन के साथ अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। अमेरिका ने 2015 में $59.6 बिलियन और चीन ने $56.6 बिलियन FDI आकर्षित किए। शराब व्यापारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब उनका पासपोर्ट रद्द हो सकता है। माल्या को विदेश मंत्रालय के नोटिस का आज शाम 4 बजे तक जवाब देना है। ऐसा ना करने पर उनका पासपोर्ट हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। आज शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई घोषणाएं की जा सकती है। अगर माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा तो फिर विदेश मंत्रालय माल्या को देश वापस लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। ED की सलाह पर विदेश मंत्रालय ने 15 अप्रैल को माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया था। राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान बड़ी साजिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से सटे संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान चोरी छिपे बंकर बना रहा है। शनिवार को BSF DG KK शर्मा पाकिस्तान से सटे राजस्थान बॉर्डर का दौरा करेंगे। ये बंकर युद्ध के मकसद से बनाए जाते हैं। बॉर्डर एरिया पर बने ये बंकर पक्के हैं। इन्हें डिजर्ट फॉरवेयर तकनीक से बनाया गया है। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा पर करीब 180 बंकर बनाए हैं। इतना ही नहीं वो 100 और बनाने की तैयारी में है। ये बंकर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर के करीब 1.5 किलोमीटर इलाके में बनाए गए हैं। जहां पाकिस्तान बंकर बना रहा है वो वही मोर्चे है
जहां 1971 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान बंकरों को इस इरादे से तैयार कर रहा है कि जंग के हालात में भारतीय सेना को अपने इलाके से घुसने से रोक सके। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि ऑड इवन से वाहनों से उपजने वाले प्रदूषण में कमी आई है। बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया है कि प्रदूषण में उतार चढ़ाव की वजह मौसम और हवा के रुख की वजह से है। ट्रिब्यूनल ने शीर्ष प्रदूषण निगरानी निकाय से ये जानकारी मिलने पर कारों को लेकर ऑड इवन का दूसरा चरण लागू करने वाली दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर 15 साल पुराने वाहन सड़कों से हटाए क्यों नहीं जा सकते। बोर्ड ने एनजीटी से कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा है, उसकी ओर से वाहन जनित प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट 2 मई को सौंपी जाएगी। एनजीटी ने सीपीसीबी से दिल्ली में इस योजना के दूसरे चरण में परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़े का विश्लेषण करने को कहा था। बीजेपी ने राज्यसभा में खाली पड़ी नॉमिनेटेड सीटों को भरने की तैयारी कर ली है। जिन 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें बीजेपी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, मलयालम एक्टर सुरेश गोपी, जर्नलिस्ट स्वपन दास गुप्ता, ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम, इकोनॉमिस्ट नरेंद्र जाधव और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद सत्र से पहले इन नामों पर मुहर लगा सकती है। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और एक्टर अनुपम खेर के नामों पर भी विचार चल रहा है। बता दें कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सीटें होती है, इसमें से 7 अभी खाली है। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति के पास ये नाम भेज दिए गए हैं। इन सांसदों को केंद्र से मिले सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। सांसद और जन अधिकार मोर्चा लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लालू प्रसाद यादव भस्मासुर है, लालू जिसके सिर पर हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाता है। पप्पू यादव ने लालू पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के नहीं हुए तो वो नीतीश कुमार का हित कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश कुर्सी और सत्ता के लिए राजनीतिक फ्रॉड का नया नया रास्ता बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े राजनीतिक जुआरी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखते हुए अमेठी में जनता दरबार लगाया। इसमें उन्होंने क्षेत्र के लोगों से चर्चा की। राहुल ने लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने राहुल से कहा कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जाएं। साथ ही प्रियंका गांधी को अगले साल होने वाले चुनावों से पहले सक्रिय राजनीति में लाने की मांग भी की। लोगों ने कहा कि चुनावों के लिए उम्मीदवार भी जल्द ही घोषित किए जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के भाई के खिलाफ 30 लाख की रिश्वत मांगने के कथित मामले में दिल्ली सरकार को एचसी ने नोटिस जारी किया है। सरकार को 27 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले के याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा देने के भी आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने के लिए गुहार लगाई है। आरोप है कि काम करवाने के बदले इमरान हुसैन के भाई और एरिया के इंजीनियर ने उनसे 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पुलिस में भी उन्होंने शिकायत की लेकिन एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज नहीं की गई। उल्टे मंत्री के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शुक्रवार तड़के बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। इस दौरान लोग अपने घरों में सो रहे थे। 17 लोग मारे गए हैं, कई लोग अब भी मलबे में फंसे हैं। अफसरों ने कहा है कि लोगों को मलबे से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। मरने वालों में ज्यादातर असम के हैं जो यहाँ काम की तलाश में आए थे। बारिश के चलते असम और अरुणाचल में 2 दिन पहले भी लैंडस्लाइड हुआ, कई रोड, स्कूल और इमारतों को नुकसान पहुंचाया। बता दें कि असम, सिक्किम और अरुणाचल के कई इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से प्री मॉनसून बारिश हो रही है।
मुख्यमंत्री का अली कपूर ने तवांग डिप्टी कमिश्नर से फामला गांव में हुई घटना की रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ इंडिया ने ट्वीट कर लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जाहिर की है। नक्सलियों द्वारा पटना और गया रेलवे स्टेशन को विस्फोट कर उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन की नींद उड़ गई है। इसी कड़ी में पटना रेलवे स्टेशन पर चौकसी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी आने जाने वाली ट्रेनों की जाँच की जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। स्टेशन से गुजरने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के एक एक डिब्बे की गहनता से जांच की जा रही है। यात्री के बड़े बैग या थैले को डॉग स्क्वाड के साथ आरपीएफ की टीम जांच कर रही है। कई भी संदिग्ध सामान देखने पर उसे स्कैन कर उसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पत्र के माध्यम से सूचित कर माओवादी संगठनों ने पटना और गया जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी दी है। घुमाता ब्रिगेड की प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति डिसाई ने शुक्रवार को नासिक के त्रिंकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने कहा कि उन लोगों को आज मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने की अनुमति मिली। उन्होंने मांग की कि महिलाओं को सम्मान के साथ देश भर के मंदिरों में पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। देसाई ने कहा कि मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम को वे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी। वो लोग अगले महीने इस संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि देसाई और भूमाता ब्रिगेड की सदस्यों ने सबसे पहले शनि शिंगणापुर मंदिर के मुख्य चबूतरे पर पूजा अर्चना की। इसके लिए उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। इसके बाद उन लोगों ने कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। हालांकि इस दौरान उनसे कुछ लोगों ने झड़प भी की थी। टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे यानी अंगूरी भाभी के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस विवाद में राजनीति भी घुस गई है। शिंदे के समर्थन में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आ गई है। मनसे ने पूरे विवाद को मराठी रंग दे दिया है। एंड टीवी पर आने वाले धारावाहिक भाभी जी घर पर है कि किरदार अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे ने सिंडा और शो की प्रोड्यूसर बिनाफर कोहली के खिलाफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मदद की गुहार की है। मनसे फिल्म विंग ने इस मामले को मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा बताते हुए कहा कि एक मराठी कलाकार को मराठी फिल्मों में काम करने से नहीं रोका जा सकता। विंग ने कहा कि यदि शिल्पा को अन्य सीरियलों में काम करने से रोका गया तो पार्टी अपने जाने पहचाने अंदाज में इसका विरोध करेगी। पनामा पेपर्स लीक विवाद के बीच पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ 2 अरब रुपए की निजी संपत्ति के साथ देश के सबसे अधिक दौलतमंद नेता के तौर पर उभरे हैं। गौरतलब है कि महज 4 साल में उनकी संपत्ति में करीब 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने गुरुवार को 2015 के लिए शरीफ की संपत्ति का ब्यौरा जारी किया, जिसके बारे में उन्होंने कानून के मुताबिक चुनाव संस्था को अपनी मौजूदा संपत्ति के बारे में सूचित किया था। शरीफ अब देश की कौमी असेंबली के गिने चुने अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। अन्य अरबपतियों में पेट्रोलियम मंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और खबर पख्तूनख्वा के सांसद खयाल जमा और साजिद हुसैन तूरी शामिल है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.